अब तक इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में बात की है मैंने आपको डिस्प्ले एड्स के बारे में बताया वीडियो एड्स के बारे में बताया हमने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी देखी है और लिंक्ड इन एडवर्टाइजमेंट भी देखी है लेकिन आज इस सेशन के अंदर मैं आपको एक नई टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं नेटिव एडवर्टाइजिंग ये नेटिव एडवर्टाइजिंग होती क्या है और क्या इससे पहले आज तक आपने इसके बारे में सुना है सबसे पहले आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि नेटिव एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या है नेटिव एडवर्टाइजिंग इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग ये जेन में रखें इट्स ए फॉर्म ऑफ ए पेड एडवर्टाइजिंग कि जो आपके वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज के कंटेंट से मिलता जुलता होता है यानी कि ये वो एड्स होती हैं कि जो अपीयर हो रही होती हैं एक वेबसाइट के कंटेंट के दरम्यान में लेकिन यूजर उसको एज एन एडवर्टाइजमेंट नहीं ले रहा होता क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट का कॉन्टेंट और उस वेबसाइट का कॉन्टेंट सिमिलर होता है जिसकी वजह से इसको नेटिव एडवर्टाइजमेंट का नाम दिया जाता है नेटिव एडवर्टाइज़मेंट इट्स अ वेरी गुड फॉर्म करंट जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल मीडियम के अंदर उसके अंदर बहुत सारे फ़वाद हैं नेटिव एडवर्टाइज़मेंट को यूज़ करने के पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम इतना ज़्यादा प्रमोशनल बजट जो है वो नेटिव एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड नहीं कर रहे लेकिन ओवरसीज़ काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो नेटिव एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती हैं और यूज़ करके उसको एम्बेड करती हैं अपने वेब पेज के अंदर सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो मैं यहां आपको देना पसंद करूंगा वो है सीनेट की सीनेट दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट रिव्यूज की वेबसाइट है और सीनेट के ऊपर अगर आप देखें तो विदिन द कॉन्टेंट जो सीनेट खुद पब्लिश करता है उसके अंदर डिफरेंट नेटिव एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म की एड्स भी अपीयर हो रही होती हैं इन्हीं डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है टबूला जिसके बारे में हम अगले चल के सेशन के अंदर पढ़ेंगे भी लेकिन आइए जरा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि नेटिव एडवर्टाइजमेंट के फवायद क्या क्या हैं सबसे बड़ा फायदा नेटिव एडवर्टाइजमेंट को यूज करने का है कि हाई एंगेजमेंट होती है इन एड्स के ऊपर यूजर्स की तरफ से उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह कि चूंकि कंटेंट सिमिलर होता है एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट से और लग नहीं रहा होता कि ये एड है और पेज के ऊपर वो जस्ट लाइक अदर कॉन्टेंट अपेयर हो रही होती है तो यूजर की एंगेजमेंट उन एड्स के साथ ज़्यादा होती है सेकेंड रीजन ऑफ यूजिंग नेटिव एडवर्टाइजमेंट इज कि ये एक ट्रस्ट डिवेलप कर देती है बिटवीन द यूजर एंड ऑल्सो द एडवर्टाइजर वही दोबारा बाद में रिपीट करूंगा यहां के कॉन्टेंट चूंकि सिमिलर है वेबसाइट का कंटेंट जो पोस्ट हो रहा है ब्लॉग का कंटेंट जो पोस्ट हो रहा है और एडवर्टाइजमेंट जो वहाँ पीरो हो रही है वो उस कंटेंट से सिमिलर है तो यूजर जो है उसका ट्रस्ट उन एड्स में ज्यादा डेवलप हो जाता है तीसरा पॉइंट है रिकॉलिंग रेट ऑफ आइडिया का चूंकि कंटेंट सिमिलर होता है जिसकी वजह से जो रिकॉल रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो यूजर के दिमाग में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर पेड एडवर्टाइजमेंट और लास्ट पॉइंट है कि देर आर मोर कॉन्टेंट ऑप्शन इन नेटिव एडवर्टाइजमेंट एज कम्पेयर टू गूगल एडवर्ट्स की या फेसबुक की एडवर्ट्स की जो आप कैंपेन चलाते हैं उसके मुकाबले में नेटिव एडवर्टाइजमेंट की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ कॉन्टेंट की ऑप्शन ज्यादा है आप ये आप अपने तौर पे इसको एक्सप्लोर कीजिए हम अगले चल के सेशंस के अंदर टिबोला का जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटिव एडवर्टाइजमेंट का सॉफ्टवेयर है और प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम ब्रीफली उसको टच करेंगे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर नेटिव एडवर्टाइजिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन अवेलेबल हैं और इसके मैकेनिज्म और डायनेमिक्स सिमिलर हैं आ, दूसरी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरह के लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि ये वो कॉन्टेंट यूज़ कर रही होती है वेबसाइट के ऊपर कि जो वेबसाइट का अपना कॉन्टेंट होता है जिसकी वजह से इसको नेटिव एडवर्टाइजिंग का नाम दिया जा रहा है